लालू परिवार और उनके कई करीबियों पर छापेमारी की गई थी। जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा था और उसके बाद ईडी ने कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित आवास समेत उनकी बहनों और उनके करीबियों के कई आवास पर ठिकाने पर छापेमारी जो है वो की गई थी। और इसको लेकर अब ईडी का ट्वीट सामने आया है। ईडी ने ट्वीट कर बताया कि इस छापेमारी में करीब 1 करोड़ जो नकद है वो बरामद किए गए हैं, $1900 और कई किलो जो सोने चांदी है वो बरामद किए गए हैं, कई किलो सोने के गहने हैं वो बरामद किए गए हैं। इसको लेकर ईडी का ट्वीट सामने आया है। ये ईडी की ट्वीट है और उसमें साफ तौर पर 600 करोड़ के आपराधिक जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में लिखा गया है ईडी के द्वारा। वहीं इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा और साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बीते दिनों वाइट लैंड कंपनी और अर्बन क्लू मॉल जो है वो उसको लेकर भी घोटाले सामने आए थे, तो भाजपा पहले उन घोटालों के तथ्यों को सामने रखे, उसके बाद अपने सूत्रों के हवाले से जो 600 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जो लिस्ट सामने आई है उसको सामने रखा जाए। कहीं ना कहीं अब ट्विटर पर ही अटैक जो है वो शुरू हो गया है। जैसे ही ईडी ने ट्वीट कर ये बताया कि जो छापेमारी हुई थी उसमें क्या कुछ मिला था, उसके बाद अब तेजस्वी यादव जो हैं वो पूरी तरह से हमलावर हैं और उनके खिलाफ जो छापेमारियां हुई, उनके करीबियों पे छापेमारी हुई, उनके बहनों के घर पे छापेमारी हुई, इसको लेकर लालू यादव ने भी ट्वीट कर हमला बोला था और साफ तौर पर कहा था कि मेरी जो पुत्र वधू है वो प्रेग्नेंट है, वहीं साथ ही साथ मेरे छोटे छोटे नाती नातियों को भी जो है वो परेशान किया गया, लगभग 14-15 घंटे जो है वो उन्हें बिठा कर रखा गया, क्या भाजपा निम्न स्तर से इतनी राजनीति करेगी। वहीं इसको लेकर ईडी का ट्वीट भी सामने आया। ईडी ने भी ट्वीट कर बताया कि जो छापेमारी हुई, लगभग 14 घंटे छापेमारी चली, उसमें क्या कुछ सामने आया था। लेकिन इसके बाद जो ट्विटर अटैक है वो शुरू हो गया। ईडी ने ट्वीट कर ये जानकारियां सामने रखी तो उसके बाद तेजस्वी यादव का भी ट्वीट सामने आया। तेजस्वी यादव ने इस ट्वीट को लेकर भाजपा पर हमला बोला और साफ तौर पर जो पिछले दिनों गुरुग्राम के मॉल के नाम सामने आए थे, गुरुग्राम के मॉल के घोटाले सामने आए थे, इसको लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से हमलावर हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव दिल्ली में ही मौजूद थे, उस वक्त उनके घर पर भी छापेमारी हुई थी, जिसका नाम जो है वो ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में सामने आया था, जिसके बाद उनको भी नोटिस जारी किया गया था, ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में समन जारी किया गया था। और ईडी ने ट्वीट कर ये बताया था कि 14 घंटे की छापेमारी में क्या कुछ मिली। इसके बाद तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर हमलावर हैं और ईडी पर नहीं बल्कि उन्होंने भाजपा पर हमला बोला है कि भाजपा पहले अपने घोटाले के तथ्य सामने रखे, उसके बाद हमारे खिलाफ जो आरोप है उसको सामने लाए। अब आगे क्या होगा, ईडी आगे क्या कार्रवाई करेगी, आगे क्या सियासत होती है इस छापेमारियों को लेकर, ये तमाम जानकारी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें दैजी न्यूज़ के साथ और देखते रहें दैजी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर।